ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हुए सोलन के जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सैकड़ों लोग शहीद की शव यात्रा में शामिल रहे और सभी ने नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। देर शाम शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया था और आज उनका दाह संस्कार हुआ। याद रहे कि सियाचिन में कुनिहारा का जवान मनीष शहीद हो गया था, वहीं नूरपुर के जवान को करंट लगने से मौत की खबर भी है। लेटर बम मामले में पूर्व मंत्री रविंद्र रवि का नाम आने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रविंद्र रवि ने कहा कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, जिसने लेटर लिखा और मामला दर्ज करवाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा नाम बेवजह उछाला गया। सरकार बनाने में हमने पूरी मेहनत की और सरकार को चाहिए कि सही तरीके से पूरी जाँच हो, जो भी इसके पीछे षड्यंत्र है वे साफ किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में तेल और गैस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की। वहीं मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों पर मुख्यमंत्री को हाईकमान के साथ बैठक की खबर है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने दो नामों पर मुहर लगा दी है और इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। कांगड़ा और हमीरपुर से नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। कांग्रेस ने हिमाचल में कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सभी पदाधिकारी डीसीसी और बीसीसी को रद्द करने के आदेश जारी हो चुके हैं। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर अपने पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश पर नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। राठौर ने कहा कि हाईकमान ने उन्हें नए सिरे से कमेटियों का गठन करने पर कहा है। लेटर बम मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अगर किसी ने गलत किया और जांच में गलत आएगा तो कार्रवाई होगी ही। लेटर बम के माध्यम से सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे प्रदेश में छवि खराब हुई। यही कारण है कि सरकार ने इस मामले को सीरियस लिया है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पत्थर बम मामले कांग्रेस नेता ने बयान दिया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि पत्थर बम सच में बीजेपी के लिए बम साबित हुआ है। आज भाजपा पूरी तरह खोखली हो चुकी है और गुटबाजी चरम पर है। आने वाले दिनों में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आएगी। वही पटवारी परीक्षा और विधायक ने कहा कि परीक्षा एक बड़ा गड़बड़ झाला है। परीक्षा से पहले वीडियो बनाए जा रहे हैं और सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। शिव महोत्सव पर 1008 कन्याओं की सामूहिक पूजन की गतिविधि को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया। इसकी आधिकारिक सूचना बुधवार को प्रबंधन ने ईमेल कर जिला उपायुक्त को दी है। बता दें कि इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शानदार काम करने के लिए मंडी को 2 पुरस्कारों से नवाजा गया था। बिलासपुर में चल रही पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में नेपाल के सबसे कम उम्र के पैराग्लाइडर अमन थापा ने एक्रो कप अपने नाम किया। साथ ही नेपाल के विशाल ने एक्यूरेसी का खिताब हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं शिमला में कबड्डी प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम ने बाजी मारी, जबकि हिमाचल की टीम तीसरे नंबर पर रही। हमीरपुर के बरसर में एक बेटी ने अपने पिता पर रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगाए। इस बारे में युवती ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि पिता ने 7 साल पहले युवती से दुष्कर्म किया, लेकिन जब वे 17 साल की हुई तो फिर से पिता अजीब हरकत करने लगा। ऐसे में उसने अपनी माँ को अवगत कराया और पिता का भंडाफोड़ किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर पुलिस के नशे के खिलाफ छेड़ा अभियान लगातार जारी है। बुधवार को एसआईयू टीम ने एक ट्रक चालक के पास 10.94 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चंबा के तीसा में एक व्यक्ति के पास 454 ग्राम चरस पकड़ी गई है।